लेटरिन बाथरूम सब अंदर ही निकल जाता, जो खाता हूँ वो तो हाथ निकल जाता बाहर से, पेट भूल जाता। बहुत परेशानी हो गई, बहुत ज़्यादा वाली, चला नहीं जाता मुझसे अब, कमी हो गई बहुत ज़्यादा वाली अब। हम दिल्ली इलाके के जाफराबाद की एक कॉलोनी है उसी इलाके में आए हैं जहां से अब से 10 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी। ये हमारा भाई है, इसको कैंसर है, पेट में कैंसर है और इसको डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया और अब ये मजबूरी के खातिर यहां ले आए हैं अपने घर पे। घर की आप माली हालत देख सकते हैं, ये माली हालत है और हमसे जो मदद हुई थी हमने उस वक्त भी मदद की थी और हमसे जो मदद होगी हम इस वक्त भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या बताया आप डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कह दी थी, मैं लेके गई थी डॉक्टर, उन्होंने मतलब मैं क्या मेहनत करी, मेरा लड़का ऐसे ऐसे है तुम इसको दाखिल कर लो, भी इससे मतलब ना है कुछ भी। तो कहते देखो मेहनत करके बहू लेके आई, बुला के उसको कह के आई भी हाँ आप इसको देख लो। कहते इससे ज़्यादा लोग पड़े हैं, कैसे करें अब। हमने कहा इसका पेट था ठीक है, देखो उन्होंने पेट खोल के देखा, मतलब पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था उस टाइम। तो मैं कहा पानी निकाल दो इसका, पानी निकल के सही हो जाए। पानी उन्होंने निकाला, 2 लीटर मतलब कि पानी निकला। तो फिर एक जे 2 टीके लगवा दिए, टीके लगाने से बाद हम 11:30 बजे 12:15 बजे घर को आगे लेके, कहते जो कुछ तकलीफ हुई फिर आ जाना सुबह को, 200 रुपया किराया लगता थी। फिर मैंने मना कर दिया, आके सो गया थी 2 दिन तो बड़े आराम से सोया, उसके बाद ये सोया ना हैगा। अब इसको 10 दिन हो गए बिल्कुल ना सो पाता, लेटरिन बाथरूम इसका सारा कुछ बीच निकलता है टाइम। बस हो गया ना, खिदमत कर लो जो भी होती है। तो कहता मुझे लेके चल कहीं भी लेके चल, कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ क्या ना। जो आपने पैसे भेजे थे वो भी किराए भाड़े में सभी बट हो गया, कुछ दवाइयाँ लिखती थी दवाइयाँ ले आई, कभी कुछ खाने को ला दूँ ये खा लाऊँ, अम्मी मुझे ये ला दे वो ला के दे दूँ, कहूँगी ले खा ला, खाता है जब ही निकल जाता, जब खाता जब ही खा लूँ। आप इनकी वाइफ हैं जी? कितने साल हो गए शादी को आपकी? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? कि सुई लगा देंगे, भर्ती नहीं ले सकते, बोले जितना खिदमत करा जाए जो मांगे वो खाने के लिए दो। छोटे छोटे 3 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, अपना घर भी ना है, 3 लड़की है, कोई सहारा नहीं। सहारा तो अल्लाह का होता है ना, सहारा तो जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका अल्लाह उसका सहारा बनता है ना। तो हमें क्या रहता है आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? आपके पास दवाई तक के पैसे नहीं थे? कुछ भी नहीं। आपके पास किराए तक के पैसे नहीं थे? कुछ तो थोड़ा बहुत आया, आपने सहारा दिया, उस पैसे में दवाई भी आई, अल्लाह शुक्र है जिसने भी भेजे उसका शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत, जिसने मेरे बच्चे के पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं होगी? नहीं, जब पहली बात कमाने वाले के ऐसे बीमारी है तो पढ़ाई कहाँ से पढ़ाएंगे, गे रही एक वो है छोटी सारी। तो आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरे माँ बाप मुरादाबाद में। मुरादाबाद में रहते जी, गांव के। कितने दिन से ये है कैंसर? ऐसे 2-3 महीने से। 2-3 महीने से? हाँ। तो अचानक ये हुआ या पहले पता? नहीं पहले पता नहीं था, अचानक हुआ। पहले क्या करते थे भाई? गाड़ी चलाते थे, हेल्पर ही करते थे। हाँ। बच्चे के ऐसे घर के काम करके पाल लेते हैं, घर के काम करते हैं। हाँ, किसी के बर्तन धोते हैं यहीं पे 3000 में। आप भी जाते धोने के लिए? हाँ, हम दोनों जने जाते हैं घर पे, कभी थोड़ा बहुत काम आ तो कर लेते हैं। इसी क्वार्टर में रहते हो आप? हाँ। 7x7 के हैं, इसी कमरे में रहते हो आप? हाँ, है इसी कमरे में। चलिए देखिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, जिसने इस दुनिया में हमें पैदा किया है, हम तो मेहमान बन के आते हैं ठीक है ना, उसकी चीज़ वो कब ले ले। और हमसे जो मदद हुई थी हमने मदद की थी, हमसे जो अब मदद होगी इंशाल्लाह हम मदद करेंगे आपकी ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे आपके शोहर को, आपकी
आपके साथ रहे, आपके बच्चों के साथ रहे। ये कुछ पैसा है और मैं ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आप अपना इसका इलाज एक ये 15,200 रुपये है ना, हाँ रख लीजिए। रोना नहीं आपको, आप रो मत। है ना, देखो दोनों से काम भी चलेगा इंशाल्लाह ना। वो बहुत बड़ा है, वो बहुत करने वाला है, देने वाला है। तो इन पैसों से आप अपने शोहर का इलाज कराइए, है ना, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दीजिए अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए नमाज पढ़ के कि अल्लाह ताला जी पढ़ते हैं जी, कि अल्लाह ताला जिस, देखो सबसे पहली बात है अल्लाह ताला जिस हाल में रखे ना उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बेहतराई है, क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। लेकिन आप, बहुत अफसोस की बात है कि हमारा भाई इस कंडीशन में है। और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि अपने घर से निकलिए, अपने महलात अपने बागानों से निकलिए, लोगों की मदद कीजिए। हम जो पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं तिजोरियों में, जोड़ जोड़ के बैंकों में रखते हैं, इसका भी हिसाब होगा एक दिन कि मैंने जवानी दी थी, अल्लाह पूछेगा जवानी दी थी कहाँ खर्च की, मैंने माल दिया था कहाँ खर्च किया। उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और हम एक अफसोस करेंगे कि हाय अफसोस मैं अपने माल को इन ऐसे लोगों में खर्च कर लिया होता तो आज वो माल मेरा महफूज होता। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद किया करो, अपने घर से निकलो। ये लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, ये लोग या इस जैसे तमाम लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों की मदद करो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो लोगों की मदद करने में। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें यूट्यूब पे मुशाहिद खान के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। बस यही कहना है कि मदद करो और अपने माल को सही जगह पहुंचाओ जहां उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया।